नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप हमारा ये सत्र रोज़ देखते हैं और हर दिन हम अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आते हैं स्पेशल विषय, और उन विषयों में कुछ ऐसे चैप्टर जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। आज क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत रोचक होने वाला है, कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री। और इसका पार्ट 1 आप आज पढ़ेंगे, और क्योंकि एक लेंथी टॉपिक है तो हो सकता है कि एक पार्ट में कवर ना हो, तो चीज़ें और आगे एस्केलेट आगे अगली क्लास में आप तक पहुंचेंगी। और इसके लिए हमारे साथ हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनका भी आपसे परिचय करवा दें जो जुड़ चुकी हैं। बीना प्रकाश मैम है, सीनियर PGT मैथमेटिक्स कैंपियन स्कूल भोपाल। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। And good afternoon to all my learners. अभी मुझे लग रहा है कि सारे इंडिया में सभी जगह बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम्स का सीजन है। जी। हालांकि गणपति बप्पा का भी सीजन है, बट उनके साथ ही एग्जाम सीजन भी रहता है, तो बप्पा जी का सबको आशीर्वाद है और बच्चे सब मेहनत कर रहे होंगे तो ये टॉपिक भी उनको काम आएगा उनके एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल, और निश्चित तौर पर आपने इसको बहुत ही समसामयिक मुद्दे से जोड़ा है, और भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो और अक्सर ये देखा जाता है कि जब बच्चे पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो उसमें भगवान गणेश की पूजा और प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। और अपने छात्रों को, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि लाइव सेशन है, इंटरेक्टिव सेशन है, तो आप अपने प्रश्न या अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पोस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मोबाइल नंबर मैं बता देता हूं, 8800440559 जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और इसके अलावा आप ईमेल के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। और इस जानकारी के बाद अब मैं सीधे चलता हूँ मैम के पास, और मैम से आग्रह करता हूँ कि शुरुआत करें इस सत्र की। मैम हाँ जी, तो मैं शुरुआत से एक क्वेश्चन से करूँगी, क्योंकि सबने एक्सपीरियंस किया होगा बच्चों, खासकर आप लोग, क्योंकि आप लोग बाइक से काफी ट्राई आप लोग बाइक का राइड लेते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप जो कैप लगाते हैं कभी चलाते चलाते हेलमेट हम अवॉइड करते हैं बच्चे, है ना, जबकि गलत चीज है। अगर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाए तो बहुत रिस्क है लाइफ का, आप इस चीज का ध्यान रखिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग कैप लगा के बाइक राइड करते हैं तो कैप जो है कभी कभी उड़ जाता है हवा से, उड़ता है, हमेशा उड़ता है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा आता है तो उड़ जाता है। तो क्या हो रहा है, तो आप कैप को कहाँ लोकेट करोगे, उस रोड पे लोकेट करेंगे ना जी सर जी। उसी रोड पे लोकेट करेंगे, बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपको अपने स्कूल का डायरेक्शन या किसी चीज का पोजीशन पूछूंगी, जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल, स्टडी टेबल ऑन द टेबल, स्टडी टेबल, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन का क्या है इंटेंशन इसमें, जैसे ये टेबल है और यहाँ टी स्टैंड्स फॉर स्टडी टेबल, ठीक है, इस पोजीशन में स्टडी टेबल रखा है, तो इसको लोकेट करना या इसका पोजीशन बताना किसी को, वो कैसे आप डिस्क्राइब करोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा, जैसे आपको आप राइड कर रहे हो और राइड करते समय आपके सिर से कैप उड़ जाता है, तो क्या हो रहा है उस समय, वेयर विल यू लोकेट दैट कैप, वो कैप आपको उस रोड पर ही मिलेगा विच विल बी सम स्टेप्स बिहाइंड, है ना, कुछ स्टेप्स नहीं है, कुछ दूरी पे मिलेगा बट उसी रोड पे मिलेगा। तो आपको अगर किसी को, या तो आपके पीछे जो बैठा है उसको बोलना है, अगर ले आ रहा है तो आपको यही बोलना पड़ेगा ना, ले आओ पीछे से ले आओ करके, आपको किसी और चीज का इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको टेबल पे रखा हुआ, स्टडी टेबल पे रखा हुआ टेबल लैम्प रखा है, उसको अगर लोकेट करना है तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, कहाँ रखा है, कैसे रखा, कितने दूरी पे कहाँ कहाँ रखा है, वो बताना पड़ेगा। So what is that we are discussing? It is first is locating a point on a line. That is, हम उस लाइन का नाम डाल दिया है number line. ये अपना number line है. ये हमने first chapter, second chapter में किया real numbers. We have marked the points on the line. तो कोई भी point इस number line पे जो है, they represent a real number. ये सबको मालूम है बच्चों? एक पॉइंट, दिस इज वन पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटिंग अ नंबर। आप कोई और पॉइंट भी ले लीजिए, जैसे फ्रैक्शनल पॉइंट, एक
ये देखिए पॉइंट, ये 8 और 9 के बीच में, तो यू नो दैट हाउ इट इज टू बी रिटन, ये 8 और 9 के बीच का एक रियल नंबर है, राइट? तो दिस इज अ पॉइंट ऑन द लाइन. अब टेबल लैंप को लोकेट करने के लिए यू रिक्वायर टू इंफॉर्मेशन. आप कैसे समझा सकते हैं कि मेरा टेबल लैंप, आप अपने फ्रेंड को कैसे बता सकते हैं कि ये मेरा टेबल, और एक वॉच रखा है टेबल पर, आप कैसे बोलेंगे कि वो उठा के लेकर आइए? आपको बताना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे, उस पोजीशन के लिए आपको क्या है. पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना बेसिक पोजीशन, दैट इज कहां से आपको स्टार्ट करना है. दैट मींस अज्यूम दैट यहां पे आपका चेयर है, ये आपका चेयर है, तो इस चेयर पोजीशन से आप कैसे कहां ढूंढने के लिए निकलोगे, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो ये अपना एक इनिशियल रिलेटिव पोजीशन, तो आपको पहले यहां से राइट लेना पड़ेगा कुछ स्टेप्स एंड देन टुवर्ड्स नॉर्थ ये जाएंगे, तभी आप इस लुक को लोकेट करेंगे. तो आप क्या कर रहे हैं, पहले लेंथ वाइज इस रेक्टेंगल लेफ्ट टेबल की जाएंगे, फिर ब्रेथ वाइज जा रहे हैं. तो आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, दो इंफॉर्मेशन चाहिए. तो दो इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अब आपका सिस्टम जो है वो टू डायमेंशनल हो गया है. तो पहले हमने सिंगल डायमेंशन में नंबर लाइन डिस्कस किया, अब हमारे पास टू डायमेंशन है. सो वी आर डिस्कसिंग अ पॉइंट इन सम प्लेन. तो इस टेबल लैंप का पोजीशन, अगर हम इस पोजीशन को इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, तो व्हाट वी से इज वी डिवाइड दिस टेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रिड्स. ये छोटे छोटे स्क्वायर्स बना दें इक्विडिस्टेंस, तो इसको ग्रिड बना दिया हमने, आपको दिख रहा है ये ग्रिड्स, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, फेडेड रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं. तो इसमें फर्स्ट यू विल गो राइट 1, 2, 3, 4 यूनिट्स, उसके बाद आप 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स नॉर्थ की तरफ जाओगे. So you will get that table. So that means we need to now look things in two dimension. And so ye cheez humko city plan ka bhi describe kiya hai textbook. This is a question from the textbook. NCERT textbook ke questions hai. Ye kahin bahar se nahi nikala maine. Ye sirf NCERT textbook ke questions hai. To aap kaise dekhenge? Yahan pe kya likha hai? There are, a city has two main roads which cross each other at center of the city. These two roads are along north-south and east-west directions. That is, आपके पास दो main roads हैं. एक north-south है और एक east-west. अब now the choice, अभी आप grid देख रहे हैं, इसमें भी आप north-south really, इस plane में north-south, east-west दोनों direction बनाते हुए दो lines को बनाना है. तो ये तो बात clear है कि ये दोनों lines एक दूसरे के perpendicular, यानी north-south and east-west they are perpendicular to each other. But हम बनाएंगे कहाँ? We prefer to make it in the middle. तो हम इसको middle में कहीं बनाते. Let me take up this as north-south direction. ठीक है? And ये अपना north-south direction हो गया. और ऐसे ही east-west direction से भी हमें road बनाते. ये हमारा east-west direction का हो गया. हाँ, आप देखिए, ये दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, अब इसमें हमें क्या ढूंढना है? इसमें कुछ मैसेज दिया है उन्होंने, क्या देखने के बता रहे हैं? इसे बता रहे हैं कि आपको देयर आर टू सिटी रोड्स आर देयर अलोंग दिस, ऑल द सिटी ऑल द स्ट्रीट्स रन पैरेलल टू दीस रोड्स, दे आर अबाउट 200 मीटर्स अपार्ट, दे आर 200 मीटर्स अपार्ट. ये जो लेन्स दिख रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे लेन्स जो दिख रहे हैं, ये एक लेन है, ये ग्रिड दिख रहा है, ये एक लेन है, दूसरा ये एक लेन है, ये एक दूसरा लेन है. दीज आर लेन्स, दे आर सेपरेटेड एट 200 मीटर्स. ठीक है, ये मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ. अब ये जो पोजिशन ये है, दे आर डिफरेंट डिफरेंट लेन्स इन दिस. अब एक सेंटीमीटर को 200 मीटर कंसिडर करिए, तो एक मिनट, ये जो स्ट्रेट लेन आएगा दैट इज वन लेन, लाइक वाइज दिस इज अनदर लेन फॉर नॉर्थ वेस्ट, द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ऐसे ही ईस्ट वेस्ट के भी होंगे. तो देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स है. नाउ ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू अ फॉलोइंग, दैट इज इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ एंड फिफ्थ स्ट्रीट रनिंग ईस्ट वेस्ट मीट, सेकंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ मतलब इस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ साउथ राइट रनिंग सेकेंड स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट ये हुआ अपना सेकेंड स्ट्रीट. थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, कोई बात नहीं, ये नॉर्थ साउथ है,
ये भी तो हो सकता है, इट इज नॉट वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड, तो आपने को दोनों में से एक चॉइस लेना है. ये एक हो गया. अब दूसरा उन्होंने बोला है फाइव इन द ईस्ट वेस्ट. ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट मीन्स अक्रॉस लेना है. फिफ्थ, 1, 2, 3, 4, 5 इसके नीचे, इट इज बिलो दिस, इट कुड बी हियर और ऊपर के तरफ, जहां भी ये मीट करेंगे देन दैट इज द पॉइंट वेयर वी हैव वन सिटी. ये उन्होंने बताया है. सो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइक यहां पे इस चीज को यहां देख रहे हैं, वी कैन सी दैट इट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस वन पॉइंट. ये एक्सटेंड करके यहां इंटरसेक्ट कर सकता है और ऊपर की तरफ, इफ इट इज समवेयर हियर इट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, लेट मी मेक दिस पॉइंट्स एज एल एंड एम. सो दैट्स द वे टू लोकेट अ सिटी. एक सिटी का डेफिनेशन इस तरह से हमें दिया जाता है. तो आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज वन विच इज इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ साउथ, द अदर वन इन टर्म्स ऑफ ईस्ट वेस्ट. ये दो स्पेसिफिक रोड्स के थ्रू हम एक सिटी का लोकेट कर सकते हैं. इसी का यूजिंग, दिस इज व्हाट इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम. इसमें क्या किया हमने, वी हैव टू रियल नंबर्स, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वी प्लेस टू रियल नंबर्स. आपको दिख रहा है ये रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर विच इज प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो ये जो रियल नंबर है एक्स एक्स डैश, दिस इज वन रियल नंबर एक्स एक्स डैश, ये दिस इज वन रियल नंबर विच इज नोन एज एक्स एक्स डैश, दैट्स अनदर रियल नंबर दैट्स नोन एज वाई वाई डैश. ये दो रियल नंबर्स को यूज करते हुए हम नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट जो मेन रूट्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन दें. सो दे आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. सो वी हैव टू नंबर लाइन्स, दे कंसिस्ट रियल नंबर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर. अब नाइन्थ में है बच्चों, आप लोगों का यही एक कार्टेशियन सिस्टम है जहां दीज टू आर प्लेस. ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि टू लाइंस कैन ऑलवेज बी फर्स्ट प्लेस परपेंडिकुलर, आप उसको कोई भी एंगल में भी प्लेस कर सकते हैं, बट वो आपके लेवल का नहीं. तो जब तक आप लोगों को बताया नहीं जाएगा टीचर्स, आप उसके आगे सोचना नहीं. तो वी हैव ओनली टू वन कंडीशन, दैट इज दे आर प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फाइन, नाउ व्हेन दे प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, हम क्या देख रहे हैं, ये जो पूरा प्लेन है, ये जो पूरा प्लेन है, ये प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने, ये प्लेन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो 4 पार्ट कौन कौन सा हुआ, एक ये पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फिर हम ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करें, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट एंड दैट्स द फोर्थ पार्ट. व्हाई इज इट स्पेसिफिकली नेम फर्स्ट, इस तरह से क्यों नहीं, हम यूजुअली स्टार्ट करते तो हम लेफ्ट से राइट ऐसे जाते हैं, तो हमने क्यों स्पेसिफिकली ये फर्स्ट और सेकेंड ऐसे लिया, उसका डिस्क्रिप्शन दे. नाउ ईच इज, दैट इज यहाँ पे हमने क्या देखा है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो दे आर नोन एज क्वाड्रेंट्स, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट. सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट्स थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट्स अ फोर्थ क्वाड्रेंट. ऐसे 4 क्वाड्रेंट को एक प्लेन डिवाइड by this 2 number lines xx dash and yy dash. ठीक है, अब आपको एक पॉइंट, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डिफाइंड. ये एक पॉइंट है P. ये पॉइंट का लोकेशन, दैट इज हाउ डू वी लोकेट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस. एंड फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस हमने ये PL बनाया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. So PL is the perpendicular from P to x-axis. वैसे ही PM बनाएंगे perpendicular to y-axis. So PM, so distance between point and line, बच्चों याद है ना, ये पहले डिस्कस किया था हमने. Point और any line के बीच में distance जो रहता है, that is perpendicular distance. So ये है वो perpendicular distance. अब इस point का definition कैसा होगा? We define it in terms of its distance from x-axis and y-axis. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कितना दूर पे है ये वाई एक्सिस से. यू जस्ट हैव टू कम, ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया ना टोटली, ये द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज नोन एज ओ. तो पी एल ओ एम बिकम्स अ रेक्टेंगल बिकॉज ईच एंगल मेजर 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री होने के कारण ये एक रेक्टेंगल बनेगा. सो ये जो लेंथ पी एम है
इज रेड, हम इसको रीड करते हैं ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज ओ एल, बिकॉज बोथ आर सेम, ऑपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, सो पी एम का जो लेंथ है वो ओ एल का लेंथ है, क्योंकि हमें ओ एल रीड कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन, हम पी एम रीड नहीं कर पाए, हमें स्केल चाहिए होगा मेजर करने, उसके जगह हम वी आर यूजिंग दिस कार्टेशियन, दिस लेंथ जहां हमने डिफाइन किया है, मार्क किया है पॉइंट, तो वी नो दैट ओ एल इज सिक्स यूनिट्स, तो ये एक सिक्स यूनिट्स है यहाँ से. देन सिमिलरली पी का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज द लेंथ पी एल, अभी पी एल वी डोंट हैव स्केल, बट हम इसको विल रीड इट एज लेंथ ऑफ ओ एम बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो ये लेंथ क्या हुआ, टू यूनिट्स. सो देयरफॉर पी जो पॉइंट है उसको डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर विच इज नोन एज सिक्स एंड टू, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर एंड वी राइट दिस एज सिक्स एंड टू, एंड द सिक्स इज द वैल्यू ऑफ द एक्स एक्सिस, दैट इज लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम द वाई एक्सिस विच इज नोन एज एब्सिसा, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज द ऑर्डिनेट. तो ये सब टर्म्स है बस इसके, अदरवाइज द रेस्ट थिंग्स आर ऑल दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमने इस पोजिशन पी को मार्क किया एज लेंथ सिक्स एंड दिस इज टू, इट इज सिक्स यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, टू यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट्स ठीक. बट नाउ लेट्स सी द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू. क्यू आपने देखा कि क्यू इज ऑन द अदर साइड ऑफ, दैट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सो वो उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है. हालांकि वी आर फाइंडिंग इट्स लेंथ फ्रॉम वाई एक्सिस, ये लेंथ हम देख रहे हैं, बट ये लेंथ जो है एक रेफरेंस पॉइंट के, देखिए P कौन से पॉइंट पे है, Q कहाँ पे है, P एक रेफरेंस पॉइंट, दैट इज एक्सिस, द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे आर रेफरेंस पॉइंट, P एक एक्सिस के एक साइड है, Q दूसरे साइड है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड, आपके सामने और आपके पीछे दो चीजें हैं, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे किसी को इन टर्म्स ऑफ साइन. अगर आपने पॉजिटिव साइन सामने के लिए बोला है तो नेगेटिव साइन सामने पीछे वाले के, सेम रिप्रेजेंटेशन. अब आप देखिए Q जो है लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, जबकि P जो है राइट ऑफ वाई एक्सिस है, तो दोनों का पोजिशन एक दूसरे से अलग है, तो इसका मतलब दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ साइन. तो डिस्टेंस तो ठीक है, इट इज टू यूनिट, आप डिस्टेंस तो टू यूनिट है, बट इसको हमको स्पेसिफाई करना है कहाँ पे, विद रेफरेंस टू वॉट, विद रेस्पेक्ट फ्रेंड्स वाई एक्सिस, इट्स ऑन द ऑपोजिट साइड, हेंस इट इज मार्क्ड एज माइनस टू, इट्स ऑन द नेगेटिव साइड. ये बिल्कुल क्लियर है क्या, क्योंकि हम लेंथ, मैंने डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्सिस बोला, दैट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट अगर आपके सामने एक पॉइंट है और एक पीछे पॉइंट है, उन दो पॉइंट को आप कैसे स्पेसिफाई करके किसी को एक्सप्लेन करोगे, दैट इज ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, दैट इज साइन. एक साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन. पॉजिटिव साइन अगर हमने फॉरवर्ड वाले को लिया है तो नेगेटिव साइन पीछे वाले को. एग्जैक्टली वाई एक्सिस के राइट साइड को हमने पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट साइड को नेगेटिव लिया. तो ये स्पेसिफाई करता है कि पॉइंट किस तरफ है एक्सिस के. एंड सिमिलरली वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो है वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ दिस इट इज वन टू थ्री, इट इज थ्री, द पॉजिटिव थ्री. पॉजिटिव थ्री का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है. नाउ यू टेक अप एनी पॉइंट ऑन द लेफ्ट थर्ड क्वाड्रेंट, जैसे अगर आप, मैं ये पॉइंट मानूंगी, तो इस पॉइंट का क्या स्पेसिफिकेशन हो सकता है, यहाँ देख के समझ बता सकते हैं ना, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस इज दिस लेंथ विच इज ऑल फोर यूनिट्स, बट वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस फोर से. सिमिलरली लेंथ ऑन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज ये वाला लेंथ है, दैट इज माइनस वन दिख रहा है, इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट्स माइनस वन. तो वॉट इज इट सेम, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो दिस इज माइनस वन. एंड देन फाइनली एनी पॉइंट ऑन द थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई अगर पॉइंट अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ले रही हूँ, लाइक ये पॉइंट है, ये पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए आई टेक दिस एज कोऑर्डिनेट टी, इसका क्या पोजिशन होगा, इट इज ये वाला लेंथ है, ऑन द राइट साइड, इट इज राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस बट बिलो एक्स एक्सिस, सो दैट इज माइनस थ्री. सो ये है कार्टेशियन सिस्टम का सिग्निफिकेंस.
ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा, बोथ द वैल्यूज एक्स एंड वाई दे आर पॉजिटिव, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देखा, एक्स इज नेगेटिव वाई इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में इट इज एक्स वाई बोथ आर नेगेटिव एंड द लास्ट वन इट इज एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। ये चीज का बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए कि व्हाट विच डायरेक्शन वी हैव फॉर द क्वाड्रेंट। फाइन, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज अगेन वी कम टू स्ट्रेट एक्सरसाइज ऑफ 3.2। Now name the horizontal and vertical lines to determine the position of the point on the Cartesian plane. Iska x-axis horizontal line x x dash, the horizontal line that is known as x-axis. Y dash that's known as the y-axis. Ye do axis ka naam hai. That's the name of this axis. Fine. Now next, what is the name of each part of the plane formed by the two lines? Ye एक एक पार्ट का नाम क्या है, दे आर नोन एज क्वाड्रेंट्स, बिकॉज क्वाड्रेंट कहाँ से आया ये वर्ड बच्चों याद करके देखो, क्वाड्रेंट कहाँ से आया है, आप लोगों ने पढ़ा है सर्कल, सर्कल का एक सेक्टर, सेक्टर का एक एंगल होता है, इफ एंगल मेड बाय अ सेक्टर इज 90 डिग्री देन इट इज नोन एज क्वाड्रेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राइट द पॉइंट, नेम ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स, ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट That's known as origin. इसको origin बोलते हैं। अच्छा, अब आप बताइए origin का क्या coordinate होगा? What will the coordinate of origin be? Coordinate of origin क्या हो सकता है? It is the point of intersection जहाँ दोनों का zeros coincide कर रहा है। So its distance from x-axis भी zero है, from y-axis also zero. So coordinate of O is 0, 0. ठीक है? ये clear हुआ आपको? आपको लग रहा है बच्चों को clear हो जाएगा? Now The question next is identify the coordinates of A, B, C, D. ये सारे points हैं इस plane में। इसके coordinates अपने को identify करना है। तो first of all वापस मैं एक बार और बता देती हूँ। This is known as first quadrant. This is known as second quadrant. This is the third quadrant and that's the last quadrant which is fourth quadrant. So why do we have first, second quadrant in this order? That is because ये क्यों आ रहा है? That is because we have both positive, that is x and y both are positive in the first quadrant. Second quadrant mein x is negative, y is positive. Third quadrant mein it is negative and negative, both are negative. And in the fourth quadrant, x is positive, y is negative. So that's the order that we have which defines the order, quadrant. Okay? Now the sabse pehla point hai. Where is this point A? The point A is on axis. एक axis के ऊपर है. कौन से axis के ऊपर है? It is on the x-axis. It's on the x-axis. So इस x-axis का point, that is एक point A है. उसका coordinate हम कैसे लिखेंगे? It's an ordered pair. ये जो लिख रहे हैं, that's an ordered pair. Ordered pair मतलब order किया. That is just एक order है. Specific order है. पहले हम हमेशा x वैल्यू लिखेंगे फिर हम y वैल्यू, दैट इज एब्सिसा, देन वी राइट द ऑर्डिनेट। तो पहले एब्सिसा मींस हम इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस देखेंगे। तो ये किस तरफ है y एक्सिस के? इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो सिंस इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव। सो व्हाट इज दैट वैल्यू? इट इज -1, -2, -3। इट इज -3। अब व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस? कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में ही है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। सो व्हाट इज इट्स कोऑर्डिनेट? -3। फाइन, नाउ बी का बताएं, बी क्या होगा बताइए? बी द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मींस इट इज नथिंग बट 2 units, बट अगेन बी कहां है? लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, इट इज -2। एंड देन हाउ फार इट इज फ्रॉम एक्स एक्सिस? इट इज 3 units, ये लेंथ 3 unit है। और ये कहां है? अबव एक्स एक्सिस। सो अबव इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, लेफ्ट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, राइट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ये साइन रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को सबको याद होना चाहिए। ठीक है, अब एच जो पॉइंट है वो है ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस। सो दोनों से क्या हुआ? ये दोनों पॉजिटिव रहेगा, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव रहेगा। तो एच का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? दैट इज 1 unit। And y coordinate क्या हुआ? 2 units। ठीक है, now point C जो है, what is it? इसका x coordinate again on the same side,
एक्स वाई के राइट साइड में है एंड अबव, तो एच एंड सी आर इन द सेम स्पेसिफिकेशन, दैट इज व्हाई दे आर इन द सेम क्वाड्रेंट, इसी क्वाड्रेंट में है. अब इसी क्वाड्रेंट में होने के कारण दे हैव द कोऑर्डिनेट्स बोथ पॉजिटिव. पर आप ये देखिए, एच का कोऑर्डिनेट 1, 2 है, सी का कोऑर्डिनेट 2, 1 है, तो क्या हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं? दैट इज, हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है, अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ए बी है, मैं क्या इसको इंटरचेंज करके बी ए लिख सकती हूँ? क्या लिख सकती हूँ? क्या नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड. ये है ऑर्डर, दैट इज हमें सबसे पहले एक्स वैल्यू लाएंगे, एक्स का लेंथ फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये है इसका ऑर्डर, इसको हम कभी नहीं चेंज करेंगे. ओके मैम, मैम समय हमें कह रहा है कि हम आज का सत्र यहीं समाप्त करें, क्योंकि अगला सत्र शुरू होना है अगली कक्षा के लिए. और जैसा कि आपने टॉपिक भी रखा है कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री पार्ट 1, तो सेकंड पार्ट में हम बाकी के प्रश्न या बाकी की एक्सरसाइज को ले लेंगे. तो ये क्लियर कर लीजिए बच्चों, कभी भी ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट है. ठीक है जी. थैंक यू मैम, हमारे दर्शकों के साथ, हमारे छात्रों के साथ जुड़ने के लिए, और इस टॉपिक पर हमारे दर्शकों को आज का सत्र पढ़ाने के लिए. और अपने सभी दर्शकों से, अभी अपने सभी छात्रों से भी मैं चाहूँगा अनुमति, इजाज़त. लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए है, पाठ्यपुस्तकों से संबंधित. और पाठ्यपुस्तकें अगर आप तक नहीं पहुँची हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए सेल्स काउंटर्स पर आप जा सकते हैं, जो अवेलेबल हैं न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता गुवाहाटी में. और साथ ही साथ आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए वेबसाइट का, ncertbooks.ncert.gov.in. और आप ऑनलाइन पुस्तकों को डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपनी कक्षा और अपनी अपने सब्जेक्ट की पुस्तकों को पीडीएफ वर्जन में. इसके लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पर, जो हैं एनसीईआरटी, ई पाठशाला और दीक्षा. तो इन माध्यमों से पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए और नई शिक्षा नीति के अनुसार जो बदलाव किए गए हैं उन बदलावों से आप रूबरू होइए और ज्ञान के और शिक्षा के साथ लगातार कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते रहिए. और आप जुड़ते रहिए ई विद्या के साथ, शिक्षा और जागरूकता के कार्यक्रमों के लिए. आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार.